हेलो फ्रेंड, मैं आणंद से हर्षिदा पटेल। आज हम बनाएंगे मैक्सिकन सूप। मैक्सिकन सूप बनाने के लिए हमें चाहिए अमूल का बटर, ये है राजमा, स्वीट कॉर्न, कोबिज, शिमला मिर्च, गाजर, ऑनियन, टमाटर, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और एक ग्रीन लहसुन, हरी मिर्च। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स लेके आज हम बनाएंगे मैक्सिकन सूप। ये सर्दियों का मौसम है तो ये सूप बहुत अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा ऑयल, सबसे पहले लेंगे हरी मिर्च, ये है अमूल का बटर। इसमें बटर का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा बटर, अब हम लेंगे इसमें लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन और ये अदरक। और ये हरा लहसुन। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बटर में सौते करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम लेंगे शिमला मिर्च, केबीज, गाजर, ऑनियन और ये टमाटर। इसको हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। इसमें हम लेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार, थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से सौते करेंगे। थोड़ा क्रंची रखना है तो हमें बहुत ज्यादा सॉस नहीं रखना है इसको। अब हम लेंगे इसमें स्वीट कॉर्न, और एक बॉईल किया हुआ राजमा, ये है काली मिर्च पाउडर, ये है ओरेगानो, अब हम लेंगे इसमें
टोमेटो के मैंने प्यूरी बनाई है ये। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है अच्छी तरह से। तब तक हमें ये राजमा है जो थोड़ा हमने रखा है साइड पर बॉईल किया हुआ, इसको हम अच्छी तरह से स्मैश कर लेंगे। तो हमें इसमें कोई कॉर्नफ्लोर के कोई लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा हमारा ये सूप। देखो ऐसे हमें इसे स्मैश करके लेना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जो हमने इसमें बटर लिया है ना अमूल का, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अच्छी तरह से सौते करना है इसको। जो हमने टमाटर की प्यूरी ली है ना, थोड़ी पक जाए, कच्चा ना लगे, तब तक हम इसको सौते करेंगे। अब हमने जो ये राजमा के स्मैश कर लिया है वो लेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब हम लेंगे इसमें ये पानी। पानी इसमें डालकर हमें दो उबाल आए तब तक हमें इसको रखना है। और जो हमने राजमा लिया ना, तो अपने आप देखो ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। अभी दो उबाल आए, बाद में अच्छी तरह से वो पक जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन सूप। अमूल का बटर लेकर हम आज बना रहे हैं मैक्सिकन सूप। ये ठंडियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। खाने से पहले भी आप ये थोड़ा पी सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट भी। अब हम इसमें लेंगे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा। थोड़ा सा हम पानी लेंगे इसमें, हमें 5-6 कटोरी जितना सूप बनेगा हमारा।
थोड़ा सा लेंगे हमें काला नमक, तो देखो दोस्त हमारा ये रेडी है मैक्सिकन सूप। देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। और इसमें हम और भी टेस्टी बनाने के लिए सर्व करने के बाद इसमें लेंगे थोड़ा सा बटर। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इस पर हम रखेंगे ये बटर। ये है अमूल का चीज। थोड़ा हम चीज से इसको गार्निश करेंगे। और ये है नाचोस। हम नाचोस से इसे गार्निश करेंगे। ये नाचोस आप इसमें मिक्स करके भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखो फ्रेंड रेडी है हमारा ये मैक्सिकन सूप। कैसा लगा फ्रेंड आपको? थैंक यू अमूल टीम। थैंक यू अमूल टीम।